भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं के साथ सभी कर्मचारी और आम जनता समेत पूरे जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट के बारे में जानकारी स्वयं दे रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो सके और आम जनता भी अपने मत के बारे में जान सके। जिला सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में जिला अधिकारी उप विकास आयुक्त ने इस ईवीएम मशीन और वीवीपैट के बारे में सभी अधिवक्ताओं और आरा व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिकारियों को जानकारी दी। तीसरा नंबर पर उसी कैंडिडेट का नाम है, यह जो है आपको पता चलेगा लगभग 14 से 15 दिन पहले। तो जब इसको सेट किया जाता है, अब जब ये पता चल गया उसके बाद हम लोग ईवीएम में सेट करते हैं। इसमें आता है कैंडिडेट सेट, इसको यदि खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा कैंडिडेट सेट। उसमें कैंडिडेट को सेट के मतलब इसमें हम सेट करेंगे कि हाँ भाई 15 कैंडिडेट खड़े हुए या 14 कैंडिडेट खड़े हुए, इसमें हम सेट करेंगे। तो सेट करने के पश्चात 15 से ज्यादा हो गया तो यदि 16 कैंडिडेट हो गए तो ये 16 संभव है। तो इसमें देखेंगे आप कि ये एक बटन होता है, ये अभी यहाँ 1 दिख रहा है, लिख रहा है बैलेट यूनिट 1, यहाँ पर लिखा हुआ 1। यदि हम इसको शिफ्ट करेंगे अंदर खोल करके तो ये 2% हो जाएगा। मतलब जैसे ही 15 से ज्यादा कैंडिडेट हुआ तो हमें 2 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। इसके साथ इसके पैरेलल में एक और बैलेट यूनिट जुट जाएगा, एक और जोड़ना पड़ेगा और प्रत्येक बूथ के लिए 2 बैलेट यूनिट जाएगा। मतलब हमारा बस्ता भारी हो जाएगा, एक अटैचमेंट हो जाएगा। हाँ, इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया कि अब उसके बाद जब हम अंकुर है और आकाश है तो अंकुर पहले आएगा, जो हम लोग का देवनागरी लिपि है उसके अनुसार, और उसी के अनुसार इसमें नाम सेट होगा। तो आपको नहीं पता है पहले से कौन सा कैंडिडेट उसके आधार पर किस नंबर पर आएगा, ये पहले नहीं पता है। तो यह भी संभव नहीं। अब उसके बाद जब उसके बाद हम कैंडिडेट होने के पहले हम लोग जब तैयारी करते हैं, मतलब 10 दिन पहले, इलेक्शन के 10 दिन पहले हमको, अब जब पता चल गया कौन सा असेंबली का सिचुएंसी में कौन सा ईवीएम जाएगा, तो फिर हम लोग सेकेंड रैंडमाइजेशन करते हैं। सेकेंड रैंडमाइजेशन हम लोग तब तक नहीं करते हैं जब तक हमारा ईवीएम पहले तैयार नहीं होता, मतलब ईवीएम फर्स्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे ही हमको कैंडिडेट का पता चल गया उसके बाद सेकेंड रैंडमाइजेशन किए। तो जब सेकेंड रैंडमाइजेशन किए तो हमें पता चल गया कि उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पार्टी के या जो भी कैंडिडेट हैं उनके जनप्रतिनिधि वो भी बहुत सिंसियर रहते हैं, देखते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। जहां पर हम इसको तैयार करते हैं वहां पर उनकी भी उपस्थिति रहती है। और लगभग 3 दिन लगा इतने सारे ईवीएम को एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तैयार करने के लिए, मान लिया है लगभग 3 दिन लग जाएगा। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 300 ईवीएम होंगे, 12-13 घंटे यदि काम करेगा प्रतिदिन दिन रात 2 शिफ्ट में या करके, तो कम से कम 3 दिन में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ईवीएम तैयार हो जाएगा। उसके बाद ईवीएम तैयार होने के बाद फिर जो है पोल किया जाता है कि सबको उतना जिसको जितना वोट दिया गया मैनुअली हमने नोट किया, और इसमें एक होता है टोटल और एक होता है रिजल्ट सेक्शन होता है। अंदर यदि खोलेंगे तो उसमें भी अपना मौका करते हैं कि हमने जिस कैंडिडेट को सेट किया जिसको उतना वोट डाल रहे उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको देखने के पश्चात हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं, सबको जीरो कर देते हैं। और फिर जो है उसके बाद फिर हम जो पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोग इतना सारा ईवीएम है, 2000 ईवीएम है, कोई 5% ईवीएम आपसे, हम लोग लगभग सबको कम से कम 200-300 वोट देके चेक करते हैं और सबका उनके सामने चेकिंग होता है, वो देखते हैं मतलब उन्होंने ही सबको सेलेक्ट किया फिर चेक किया और जिसको जितना दिया उसको उतना मिला कि नहीं, ये प्रोसेस है इलेक्शन का, ये प्रोसेस। तो इतना सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद ये संभव नहीं है कि, और उसके बाद फिर हम लोग क्लियर कर देंगे, जब क्लियर कर देंगे तो सारा वोट जो हुआ वो क्लियर। पहले भी होता था, पहले भी होता था ये सारा चीज, पहले भी होता था कैंडिडेट को हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसको इलेक्शन प्रोसेस की जानकारी है वो कभी विश्वास नहीं कर सकता है कि मतलब इसमें टेम्परिंग संभव।
जिसको जिलाधिकारी ने कृषि भवन सभागार में ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर एक बैठक किया और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भोजपुर जिले के सभी कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी उन्होंने दिया। लोकसभा चुनाव को स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन काफी ही सक्रिय है और सभी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से इसमें सहयोग करने की अपील भी जिलाधिकारी ने की। पटना से आती हैं तो उस दिन रहना पड़ेगा आपको, एक दिन पहले बूथ पर रात को रहना पड़ेगा, बूथ पर नहीं मतलब नगर पंचायत का जो ऑफिस वगैरह होता है उसको लोग अधिग्रहित कर लेंगे, वहाँ पर सारी व्यवस्था करेंगे। हाँ, एक रात पहले आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप सुबह सुबह नहीं आ सकते। नहीं, रहना बेहतर होगा, नहीं आ पाइएगा हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी, हम लोग को फुल फोर्स कोई बात नहीं, एक दिन के लिए आप व्यवस्था कर लीजिए। लोकल मतलब नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं, वो एक गाइडलाइन आना है कमीशन से कि जो महिला यदि उस पर जाएंगे तो किस तरह से कराएंगे, वहाँ रहना है उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में इफको के द्वारा किसान मित्र समूह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में किसानों को एक मित्र के रूप में बनाया गया और सभी किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर पीके द्विवेदी ने अपनी विचार व्यक्त किए। डॉक्टर पीके द्विवेदी ने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है जिसका लाभ मिल रही है, साथ में उन्होंने कहा कि इफको भी किसानों को कम कीमत में उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। कम से कम 800 से लेकर के 1000 किसानों का एक संगठित बल रहता है। जब 800 किसान एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब 800 किसान एक साथ डिसीजन लेते हैं कि टमाटर अगर गले के बैठे तो 800 आदमी मिलकर के अगर एक कट्ठा करा जाए तो 800 कट्ठा टमाटर तो ढेर हो गए, एक कट्ठा की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक कट्ठा करते हैं फिर भी कहेंगे कि 800 कट्ठा हो गया, यानी कि ये बहुत ज्यादा हो गया, और इसका माल जब जाएगा बाजार में ना तो बाजार में तो एकदम भुइया सूख जाएगी, कुछ भी नहीं, तो हम कुछ कम करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, यही डिसीजन, ये जो डिसीजन होना शुरू हुआ तो अब हमारा जो है लेकिन पकड़ी चौक से बहुत बढ़ते थे स्टेशन, इतनी दूर में बेच के कहानी खत्म, आगे हमारा सामान नहीं जाता है क्योंकि हमारे पास सामान ही नहीं है। अब ट्रक के भाड़ा जब लागे 10,000 रुपया और सामान बटे 2 बोरी, तो 2 बोरी सामान खातिर 10,000 के ट्रक ना रुकी नहीं कर सकते, लेकिन जब 800 आदमी का सामान होगा तो एक ट्रक के पूछा था 5 गो ट्रक लाइन से जाए। तो ये जो है एफपीओ का शेयर है, 800 आदमी है, 16 लाख का कैपिटल खड़ा है, 16 लाख का कैपिटल खड़ा है तो 4 लाख की मशीन भी खरीदी जा सकती, चाहे वो बासमती चावल की ही बात क्यों नहीं करें। अब आपके यहां नाटा मंसूरी लगता है, बहुत लोग खुश हुए हैं तो राजेंद्र श्वेता लगाने लगे हैं, उससे खुश हुए तो बीपीटी लगाने लगे। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शक। आंख नहीं तो संसार नहीं, आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा, संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल, डीएम कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास आरा, संपर्क नंबर है 06182248789, मोबाइल नंबर है 9065441442। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता,
लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला, जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुल्हरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम, सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय, निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद बोल प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। आगामी 3 मार्च को संकल्प रैली पटना में आयोजित होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। इस संकल्प रैली की तैयारी को लेकर भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता सहित वरीय अधिकारी एकजुट होकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि संकल्प रैली को सफल बनाया जा सके। शिक्षक सदस्य के रूप में प्रतिनिधि संजीव श्याम सिंह ने एक बैठक आयोजित किया, जिसमें आम जनता के साथ सभी शिक्षकों और मतदाताओं से आग्रह किया कि आगामी 3 मार्च को होने वाले संकल्प रैली में भाग लें और इस रैली को सफल बनाएं। हमारे माननीय गवर्नर भैया
और मेरे भाई बंधु ये लोक समता पार्टी जी, हम लोग एनडीए के साथ हैं, थे हैं और आगे भी रहेंगे। आज की यह बैठक मुख्य रूप से यहाँ पर हम इसलिए बुलाए हैं कि मैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उस क्षेत्र के अंतर्गत आरा भी आता है। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर, बक्सर और आरा। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जो 3 तारीख को एनडीए ने संकल्प रैली प्रस्तावित किया है उस रैली को सफल बनाए और उसी रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग पटना पहुँचे और यशस्वी प्रधानमंत्री और हम लोगों के जो नेता हैं, जो यहाँ के नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें, साथ ही साथ राम विलास पासवान ऐसे लोगों का भी हम लोग हाथ मजबूत करें ताकि केंद्र में पुनः एनडीए के नेतृत्व में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनः नेतृत्व में सरकार बने। थैंक यू। किसानों के प्रणेता और किसानों के हित चाहने वाले स्वर्गीय तपेश्वर सिंह की जयंती समारोह कायम नगर स्थित तपेश्वर सिंह बीएड कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय तपेश्वर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। आगत अतिथियों का स्वागत पूर्व विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर लोगों ने स्वर्गीय तपेश्वर बाबू के कृत्यों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बिहारी कभी बोलेगा कि हमको आपको एचआईवी तो नहीं है? कौन बोलेगा आप में से कि हम एचआईवी पॉजिटिव हूँ? लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने अपना एचआईवी टेस्ट कराया? क्या एचआईवी टेस्ट कराते तो मर जाते? क्या ब्लड चक्कर आ जाता है? क्यों नहीं करवाया? बस ये उम्मीद है कि एचआईवी थोड़े हमको होगा। आप ये नागरिक हैं जिस राज्य से सबसे ज्यादा मजदूर, चाहे वो लुधियाना जाए, पंजाब जाए, हरियाणा जाए, केरल जाए, कर्नाटक जाए, कहीं भी जाइए, तो खांसी देख रहे करते हुए तो उसको पहला काम तो बोलिए कि वो आपकी बात नहीं मानेगा, कि बोलेंगे चले जाओ, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, कहीं टीबी तो नहीं होगी? या पूछेंगे कि बुखार तो नहीं है, वजन तो नहीं घट रहा है, कभी खांसी में बलगम में खून तो नहीं आया, किस कोई घर में टीबी तो नहीं था? ये वक्त किसको है डायलॉग करने का? आज के दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है व्हाट्सएप से छुट्टी लेने का, सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है। बाप तरस जाता है बेटी से बात करने के लिए और आप बोलेंगे कि तेरे को खांसी तो नहीं है 2 हफ्ता से, तेरे को बुखार तो नहीं है 2 हफ्ता से, तेरे घर में तो किसी को टीबी नहीं थी, उलट के बोलेगा तेरे बाप को टीबी होगी, बोलेगा तू एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है, तू कहीं स्लम में रहता है, गरीब बस्ती में रहता है, बोलेगा तेरा बाप रहता होगा गरीब बस्ती में, मैं थोड़े रहता हूं। कौन स्वीकार करेगा कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं? कौन स्वीकार करेगा कि मैं ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है? कौन स्वीकार करेगा कि मैं मुझे ब्लड प्रेशर तो है, डॉक्टर राजा साहब ने लिखा है, लेकिन मैं दवाई नहीं लेता हूं, अभी मैं वो सहजन का जो है सो घोर करके पिया करता हूं। कोई नहीं स्वीकार करेगा पब्लिक फ्रंट पे, लेकिन ये सभी हमारे देश की उतनी ही हकीकत है जैसे बाटा की जो है सो जूता। तो ऐसे है कि आप एक काम कर सकते हैं कि किसी को बोले कि ठीक है तू टीवी अपना रख, चाहे जल जो कर, रात में खिड़की खुला रखना क्योंकि बच्चे तेरे साथ सोते होंगे, खांसी करते समय जैसे आज मैंने ढक करके सिखाया खांसी करना वैसा सीखा। और दूसरा बात कि सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, आपने यदि नोटिफाई कर दिया कि एक आदमी को टीबी लगता है और उसको जांच के लिए भेज दिया, तो एक इन्फॉर्मेंट को आपने शक किया टीबी और उसकी जांच किया डॉक्टर राजा ने या बीके मिश्रा ने, डॉक्टर सुरेश ने, और उसको टीबी निकल गई, सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट हो, 500
रुपया सरकार उस इंफॉर्मेंट को वैसे ही देगी जैसे कि आपने बोला कि मैंने देखा कि बैग है, पता नहीं बॉम्ब है कि क्या है, उसे तो पुलिस पूछते सतर्क हो जाएगी। सो प्लीज इन्फॉर्म गवर्नमेंट को कि और भेजे कि जो खांसी का जांच करवाएगी। दूसरा चीज समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आंख नहीं तो संसार नहीं, आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा। संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल, डीएम कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182248789। मोबाइल नंबर है 9065441442। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझा तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के ज्वेलर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के ज्वेलरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम, सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय। निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है।
आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद भोज प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। वीर कुंवर विश्वविद्यालय स्थित भोजपुरी विभाग में भोजपुरी के उत्थान भोजपुरी भाषा की उत्थान को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से लोगों ने भोजपुरी भाषा की और ज्यादा विकास पर विकास अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित लोगों ने कहा कि जब तक की आम जनता आपस में भोजपुरी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे तब तक शायद भोजपुरी भाषा का विकास संभव नहीं हो पाएगा। माथा पर हमारा धरा हाथ माई मत बोला झूठ बात वही पत्रकारिता हर उम्र टुकी गिर चुपचाप जहर केहू के ना भैर खबर न कहलू कभी हमलियों से न लौकल कभी लक्षणियों से सीता तो बिनार हो दौड़ाते तो उतार हो गलती तो काहे पांच काहे चाचा के खुल भाई काहे अपना गलती करती बाबू से बड़बड़ मत करती। ये सब तो बात है। अगर बात फिर राम की आकर तुम सीता के मरा करो सीता हमारा से छोड़ी ना तब जीवन से दुनिया हमारे खोरी खोरी गलती करवाई बुहार गरीब हम बहुत प्रयास करो देवेंद्र भाई के कविता बहुत सुननी है। रोके के मन ना कर दिला कि चलो एक बार दिल्ली पहुंचल जाए लेकिन समय के तकाजा रहा ऐसे ब्रेक के ढूंढे के पड़ल। अब समय के तकाजा देखते हुए सासाराम से आए ये अति सुंदर सीता रामायण की कथा। आगामी 2 मार्च को हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन आयोजित की जाएगी जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस संदर्भ में पूर्ववर्ती छात्र संगठन के सचिव डॉक्टर शशि कुमार सी ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संगठन के अध्यक्ष के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित होंगे और अपने बीते हुए पल को याद करेंगे। यह 19वां पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हम लोग को मत देना अभी और लोग जाना होगा क्या मिल जाएगा। ये जो है पत्रकार वार्ता जो हमने आयोजित किया है उसमें उसका मुख्य उद्देश्य है कि अगले 2 मार्च को जैन कॉलेज पूर्ववर्ती छात्र संघ का सम्मेलन आयोजित है जैन कॉलेज परिसर में ही। और ये सम्मेलन जो है पूर्ववर्ती छात्रों का 19वां सम्मेलन है। लगातार 18 बार सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया और 2001 में इसको प्रारंभ किया और ये 19वां सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। जैन कॉलेज के जो पढ़े हुए छात्र हैं 1942 में जैन कॉलेज की स्थापना हुई थी और तब से जैन कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके दुनिया में भारत में भी और दुनिया में भी अपने विलक्षण प्रतिभा से जैन कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। उन सारे छात्रों को जो अवेलेबल है हमारे पास जो एड्रेस है जो हमारे सदस्य हैं पूर्ववर्ती छात्र संघ के उन सबको हम लोग आमंत्रित करते हैं और उसमें से बहुतायत संख्या में पूर्ववर्ती छात्र भाग भी लेते हैं और हर साल कुछ न कुछ विशिष्ट पूर्ववर्ती छात्र आते हैं जिससे कॉलेज की गौरव और गरिमा बढ़ती है। हमारे
पहले प्रधानाचार्य डॉक्टर कुंभियारी बाबू ने इसकी स्थापना की थी। आज हमारे अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर पारसनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे वरिष्ठ जो हमारे सदस्य हैं पूर्ववर्ती छात्र संघ के, वो प्रोफेसर बलराम सिंह जी यहाँ हैं, जिन्होंने न केवल पूर्ववर्ती छात्र संघ को आगे बढ़ाया है बल्कि महाविद्यालय गान और विश्वविद्यालय गान की रचना करके पूर्ववर्ती विशिष्ट पूर्ववर्ती छात्र होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। तो हम लोग आपके माध्यम से पूर्ववर्ती छात्रों, जो जैन कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं कि वो 2 मार्च को जैन महाविद्यालय परिसर में 10:30 से 11 बजे तक उपस्थित होकर के और वो देखें समझें कि पूर्ववर्ती छात्र जैन कॉलेज के विकास में, विश्वविद्यालय के विकास में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। और ये हमने नई कोई परंपरा नहीं शुरू की है, दुनिया में जहाँ भी पुराने शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें पूर्ववर्ती छात्र संघ है और वो पूर्ववर्ती छात्र संघ उस अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने महाविद्यालय को, अपने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए एक सीमेंटिंग सेंटर का काम करता है। ब्रेक के बाद बोध प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। कुंभ यात्रा 2019 के चौथे दिन यानी अंतिम दिन भोजपुर दर्शन टीम ने कई चीजों का उल्लेख किया है, आइए देखते हैं कुंभ यात्रा 2019। कुंभ यात्रा के चौथा और अंतिम दिन प्रयागराज काफी ही रमणीक और आकर्षक लग रहा था। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश या घड़ा होता है। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में कुंभ पर विशेष जानकारी मिलती है। चारों वेदों में भी कुंभ का वर्णन है। पृथ्वी पर हर प्राणियों के कल्याण के लिए कुंभ भारत के 4 स्थानों पर लगता है, जिसमें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज है। प्रयागराज कुंभ में तो हजारों साधु संत नागा साधु आए हुए थे, पर क्या आप जानते हैं कि ये साधु संत नागा कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर तो कोई वकील तो कोई पीएचडी डिग्री धारी। रात्रि करीब 11 बजे अपने सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ कुछ एक संतों से मिलने की इच्छा हुई। आइए मिलते हैं और सुनते हैं महाराष्ट्र से पधारे महाराज जी की बातें। कुंभ नगरी में कोई वैष्णो देवी से आया है तो कोई बद्री आश्रम से, तो कोई केदारनाथ से, तो कोई महाराष्ट्र, कोई असम, यानी इस पूरे भारत ही नहीं विश्व के हर कोने से ऋषि संत महात्मा का दर्शन हर भक्त कर रहे हैं। इस समय मैं महाराष्ट्र में एक जलगांव जगह है, वहाँ की महाराज जी के साथ हैं। आप सभी भक्तों को बहुत कुछ जानकारी वैसे तो पहले से है, लेकिन महाराज जी आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कुछ वैसी बातों को जो शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है। आपने संगम का नाम जरूर सुना होगा, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती है, लेकिन संगम है क्या? महाराज जी सबसे पहले आपको सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने भोजपुर दर्शन को समय दिया। महाराज जी गंगा, यमुना, सरस्वती जो विश्व का एक पवित्र नदी और मात्र संगम मिलन को प्रयागराज, संगम क्या? संगम ये अत्यंत पवित्र है और प्राचीन काल से इसको बहुत ही पुनीत माना गया है। अनेक इस इलाहाबाद ये प्रयागराज में प्राचीन काल से अनेक ऋषि मुनि हुए, तो उन्होंने यहाँ अनेक तपस्याएं की। यहाँ अनेक हमारे धर्म ग्रंथ जैसे रामायण, भागवत आदि के संदर्भ में यहाँ प्रवचन होता रहा, कथा कीर्तन आदि होता रहा, सत्संग होता रहा और अनेकों अनेक देश विदेश से सभी लोग आकर के उसका लाभ लेते रहे हैं। और ये कुंभ मेला में
बहुत सुंदर हुआ है। बहुत देश विदेश से और हमारे पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से महानुभव भक्त और श्रद्धालु आकर के स्नान आदि किए हैं। संगम का वास्तविक तात्पर्य है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा जी एक ज्ञान की धारा है और यमुना जो कर्म की धारा है और सरस्वती जी एक बुद्धि की धारा है, तो ऐसे तीन धाराओं का जो मिलन यह है। और हमारे शरीर में भी तीन नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुप्ना, तो ये तीनों नाड़ियां तीन नदियों को, नदियों के प्रतीक और दर्शाती हुई चलती है। और जब आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो तीनों नदियां या तीनों नाड़ियां मिलने के पश्चात वहां सद्गुरु का दर्शन होता है, यानी कि संतों का दर्शन का लाभ मिलता है और कुंडलनी जागरूक होकर के शास्त्रार्थ की ओर जाती है। ये भी एक योग की एक विधा है जिससे हम स्थूल रूप में प्रयाग में इसको देख सकते हैं। प्रयागराज में तो प्रयागराज इसीलिए तीर्थराज है कि यहाँ पवित्र पुनित तीन नदियों का संगम होने के कारण इसको हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और इसका महात्म्य हजारों हजार साल से, जब से इस पृथ्वी का उत्पन्न हुआ, सत्य त्रेता द्वापर और कली आज भी, और आगे चलता हुआ काल कालांतर तक, लोकांतर तक इसका ऐसा ही महिमा महात्म्य चलता रहेगा। और हजारों आने वाले युग में सभी संत भक्त और सब प्रकार के जो धार्मिक लोग हैं इसका लाभ उठाते रहेंगे। यही संगम का महात्म्य है। आपने सुना कि संगम क्या है, जहाँ ज्ञान, कर्म, तीनों नाड़ियाँ और क्या बोले महाराज, भक्ति, भक्ति, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों का संगम मिश्रण। और दूसरा महाराज जी ने कहा कि आपसी भेदभाव भूलकर आपस में मिल जाना भी संगम है, और सारे भेदभाव भूलकर एक साथ यहाँ पर भक्त कल्पवास कर रहे हैं। आज शाही स्नान हुआ, मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान हुआ। शाही स्नान के बारे में क्या कहेंगे? शाही स्नान एक बहुत ही भव्य, दिव्य और अद्भुत प्रकार का सभी संतों का और भक्तों का स्नान है, विशेष करके हिमालय से और सभी जगह से आए हुए अत्यंत जो तपस्वी संत हैं उनका जो स्नान है वो भव्य रूप से, दिव्य रूप से जो हुआ है उसी को शाही स्नान कहा जाता है। और शाही में विशेष प्रकार से सब जगह से भक्तों का, विशेष करके संतों का और विशेष करके जैसे ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का स्नान होता है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले से और ब्रह्म मुहूर्त में उसके पश्चात संतों का, भक्तों का स्नान होता है। और इसका विशेष एक प्रकार से बहुत विशेष प्रकार का स्नान या विशेष प्रकार का एक दिव्य जो पवित्र, दिव्य पवित्र जो स्नान है इसी को, और विशेष अवसर पर, विशेष काल पर, विशेष ग्रह नक्षत्र और योग का एकीकरण होने से, ध्रुवीकरण होने से आज का जो द्वितीय शाही स्नान मौनी अमावस्या का लगभग 140 साल के बाद ये ग्रह नक्षत्र, बार, तिथि, लग्न आदि एकत्रित करके हुआ है, तो इसी को शाही स्नान कहा जाता है। आपने सुना कि बहुत ही विस्तृत रूप से शाही स्नान के बारे में महाराज जी ने अपने भक्तों को जानकारी दिया। कई वर्षों के बाद, मतलब लगभग 150 वर्षों से की भी
जाला गुजर जाने के बाद ये शाही स्नान हुआ और इस शाही स्नान का संयोग योग महाराज जी के द्वारा ऐसा है जो बताया महाराज जी ने कि आज मौनी अमावस्या और भी दिन सोमवार यानी बाबा भोले का दिन और कल से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो चार नवरात्र हैं और चार नवरात्रों में दो नवरात्र तो सभी जानते हैं लेकिन दो नवरात्र गुप्त नवरात्र होती है और उसमें वो दो जो गुप्त नवरात्र होती है वो साधु संत महात्माओं के लिए होता है, आम भक्तों के लिए नहीं होती है। उस पर बात बाबा से आप भक्त करेंगे लेकिन बाबा एक चीज़ हमारे भक्त कि आप तो बहुत काफ़ी दिनों से आते हैं जाते हैं देखते हैं, हर कुंभ में आप रहते होंगे, विधि व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? राम कृष्ण विधि व्यवस्था के बारे में लगभग अभी तो ठीक है, पहले से जो पहले समय में व्यवस्था होती थी उससे अच्छा है, फिर भी कोई ना कोई कमियां तो रहती है लेकिन फिर भी इस समय का जो विधि व्यवस्था है उसको हम ठीक कहेंगे और अच्छा कहेंगे। महाराज जी आपके विचार से बहुत ठीक है विधि व्यवस्था, इसका श्रेय किसको दे रहे हैं आप? इसका श्रेय तो प्रशासन को ही जाता है और आम भक्त जो काफ़ी सूझबूझ के गंदगी कहीं नहीं फैला रहे हैं, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं उनको, भक्तों को? हाँ, ये भक्तों को भी सहयोग से हो रहा है, भक्तों का सहयोग और प्रशासन का भी सहयोग और समझिए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास और समस्त और लोगों का भी जितने बड़े बड़े इसमें अधिकारी हैं या कार्यकर्ता भी हैं जो छोटे छोटे जो भी कार्य सभी का श्रेय है, सभी का इसमें श्रेय है। श्रेय है। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न मेरा भक्तों की तरफ से है, मेरा तरफ से नहीं है, कि भक्त जानकारी लेना चाह रहे हैं कि प्रयागराज में ही हनुमान जी सोए हुए हैं, वो कब जग कर राम मंदिर का निर्माण करेंगे, आप क्या कहेंगे? राम मंदिर का निर्माण तभी होगा जब सभी भक्त और संत एकत्रित होकर के चाहेंगे और दूसरा कोई राम मंदिर बना दें ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि राम मंदिर को एक राजनीति का केवल मुद्दा बनाया गया लेकिन बनेगा तब जब हम भक्त और संत सभी जागरूक होकर के उसके निर्माण के लिए हम आगे आएं, तो कोई न इस देश का सत्ता हमें रोक सकेगा न कोई बाहरी ताकत रोक सकेगा, इससे पहले हमें बनेगा ऐसा नहीं लगता। इसके लिए सही भक्तों को जागना होगा और सारे भक्त को जगने का मतलब आपके द्वारा यह है कि हनुमान जी जग गए। बिल्कुल, हनुमान जी जगेंगे और सभी भक्त जगेंगे, भक्त की अंतर चेतना जगेगी, साधु संतों की जब अंतर चेतना जगेगी तो अंदर का सोया हुआ हनुमान या राम जी स्वयं जग करके वो कार्य पूर्ण होगा। इशारों ही इशारों में महाराज जी ने अपने भक्तों को जगाने का काम किया और भक्त जग गए तो हनुमान जी जग गए और हनुमान जी जब जग जाएंगे तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अवश्य होगा, यह मेरा कहना नहीं है महाराज जी का कहना है। पुनः एक बार सभी भक्तों की ओर से महाराज जी आपको बहुत बहुत बधाई, वैसे तो हमको बधाई देने के लायक मैं नहीं हूँ लेकिन एक भक्तों की, क्योंकि भक्त का भी बहुत ये होता है स्नेह प्यार और उस प्यार स्नेह में भक्त कुछ भी अपने महाराज से गुरु से कुछ कह सकता है, उस नाते मैंने आपसे कहा कि बहुत बहुत बधाई शुभकामना। धन्यवाद। आपने सुना राम मंदिर के मुद्दे पर महाराज जी के क्या कहना है, सभी संतों का एक ही स्वर में कहना है राम मंदिर अवश्य बनेगा। भोजपुर दर्शन टीम मध्य रात्रि समय हिमाचल प्रदेश से पधारे महाराज जी से कुंभ की महत्ता पर वार्ता किया, महाराज जी ने बजरंग भूज का पाठ कर राम मंदिर निर्माण की बातें की। प्रयाग जो तीर्थराज कहलाते हैं और इस तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का आयोजन जिसमें गंगा जमुना सरस्वती का संगम, वैसे तीर्थ स्थान पर लाखों की संख्या में साधु संत महात्मा
आए हुए हैं। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश से आए हुए महाराज जी प्रेम जी महाराज जी, जो ब्रह्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और अपने भक्तों के चाहत पर भोजपुर दर्शन के लिए इन्होंने समय दिया। सबसे पहले भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से, सभी भक्तों की ओर से महाराज जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस रात्रि के बेला में मौनी अमावस्या शाही स्नान के अवसर पर आपने भोजपुर दर्शन को समय दिया। बहुत कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट यह संदेश देता है कि विश्व के सभी भक्त, सभी मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वो निरोग रहे, सुखमय रहे, यह एक संकेत बिना बोले महाराज जी ने आप सभी को दिया। महाराज जी अपने भक्तों को काफ़ी ही मुस्कुराहट के साथ, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि इस कुंभ में यानी प्रयागराज में महाराज जी ने जो हिमाचल प्रदेश से चलकर आए हुए हैं और माता श्री भी आई हुई हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन भक्त यह जानकारी लेना चाह रहे हैं महाराज जी आपसे कि कुंभ का आयोजन तो बहुत चार जगह होते हैं इस भारत के केंद्रों में, सबसे पहला कुंभ कहाँ लगा, कुंभ का मेला? वो ऐसा है, लगभग सभी, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी जगह ये प्रचार प्रसार हो रहा है कि इसका जो कथा वस्तु है वो क्या है कि देवदानव का युद्ध हुआ। तो जो अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए दानवों में छीना झपटी चली, तो बोले हरिद्वार में वह कलश रखा गया अथवा बूंद गिरी, फिर प्रयागराज में वह बूंद गिरी, फिर नासिक में वह बूंद गिरी और फिर उज्जैन में वह बूंद गिरी। इस प्रकार का यह इतिहास पढ़ने में सुनने में आता है, तो ये सर्वविदित है कथानक। आपने सुना सर्वविदित है कथानक, प्रेम जी महाराज जी का कहना है, नाम प्रेम, सभी से प्रेम और प्रेम ही प्रेम, जो एक तात्पर्य संगम का है, संगम भी है वो है प्रेम। क्या कहेंगे महाराज जी संगम? संगम के विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हिमाचल से आने वाली सरस्वती और गंगोत्री से आने वाली गंगा और यमुनोत्री से आने वाली यमुना, ये त्रिशक्ति, तीन सखियाँ अथवा तीन बहनें इतनी आतुरता से अपने उस उद्गम स्थल से भागती हैं, नाना प्रकार के गंदे नाले भी इसमें पड़ते हैं, चट्टानों से टकराती हुई, जल कल्याण करती हुई, ऐसे लगता है कि बहुत तड़प इनमें है और ऐसी तड़प है कि जैसे दो बहनें आपस में मिलना चाहती हैं, मिलने के लिए आतुर हैं। और प्रयागराज वह पवित्रतम पावन भूमि है जहाँ इन तीनों नदियों का आपस में मिलन होता है, तो यहीं पर आकर जब ये गले से अपना मिल रही हैं, यहीं पर ये शांत नहीं होती, दुनिया को ये संदेश देते हुए कि चरैवेति कि आगे बढ़ो, और तब तक वे आगे बढ़ रहे हैं जब तक अपने आप उस गंगा सागर में अपने आप को नहीं मिला देती और वहाँ पर परिपूर्णता को जब तक वे प्राप्त नहीं कर लेती तब तक वे चली रही है। संदेश है कि यही संदेश सब मानव मात्र के लिए है कि अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इस कर्म भूमि में विदाउट अटैचमेंट निर्लिप्त होकर, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा, निर्लिप्त होकर के गृहस्थ में रहते हुए निष्काम भाव से अपने कर्म को करता हुआ परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करे, यही संदेश इस प्रयागराज की धरती से
ऋषियों ने, मुनियों ने, जपियों ने, तपियों ने दिया है और हमारा भी यही भाव। आपने सुना कि प्रेम जी महाराज ने संगम यानी मिलन, वैसा मिलन कि आपसी हर द्वेष को भूलकर चलते रहे यानी विकास करते रहे और उस विकास इतनी दूर तक विकास जाए ताकि पूरे विश्व में भारत का नाम और ज्यादा प्रचलित हो। वैसा मिलन, वैसा संगम, ओ पृथ्वीराज। लेकिन महाराज जी एक बात और आती है आप पर कि भक्त जो हैं वो काफी आपसे करीब रहते हैं, आप भक्तों के साथ आप हमेशा रहते हैं। हनुमान जी यहाँ प्रयागराज में विराजमान है जी और वो काफी कुछ करने के लिए आतुर भी हैं। सोए हुए हनुमान को कब जगाकर राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं? ऐसा है प्रभु जी, हनुमान जी कभी सोते नहीं हैं, कभी भी सोते नहीं, लगता है कि वो सो रहे। उनकी तत्व लीला मात्र कैवल्यम, हनुमंत लाल जी की अनंत लीला है, क्योंकि शिवावतार हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज तो परिपूर्ण रूप से जागृत है और मंदिर तो हर हालत में बनना ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में। ये तो केवल एक राजनीतिक गेम चल रही है और मंदिर तो वहीं था। देखिए अन्यून 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का प्राकट्य भाव इस धरा धाम पर हुआ है। तो अब हर 1000-2000 वर्ष के पश्चात पृथ्वी में परिवर्तन आता है, जल की जगह स्थल बन जाता है, स्थल की जगह जल बन जाता है। अयोध्या कहाँ थी वो तो जाने भगवान राम, पर परंपरा अनुसार, जनश्रुति अनुसार ये प्रमाणित होता है कि सरयू के तट पर भगवान राम की वह भव्य नगरी अयोध्या रही है। तो ये प्रमाण है, कहाँ थी ये भगवान जाने। 9 लाख वर्ष पूर्व कितना परिवर्तन इस भारत भूमि पर, विश्व भर में कितना परिवर्तन आया होगा, इसका तो अनुमान वैज्ञानिक लोग और जनसाधारण लोग लगा सकते हैं। लेकिन तो भी ये कहना होगा कि सरयू नदी के तट पर भगवान राम की जन्मभूमि थी, परंपरा के मुताबिक आज भी देखने को मिलता है। तो राम मंदिर देखने को मिलता है कि एक गांव एक जगह से उठता है, दूसरी जगह बसता है, फिर उठता, फिर बसता है। लेकिन जो सरयू की धारा है, सरयू की धारा पर अयोध्या रही है। तो राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। अब जिस दिन ये इच्छा शक्ति प्रबल राजनीतिज्ञों की हो गई, मंदिर तो बना हुआ है। मैं सुना देना चाहता हूँ, आपने हनुमान जी महाराज की बात की, बजरंग गुर्ज का पाठ करूँ धरू हृदय में ध्यान, और रिद्धि सिद्धि सब मिले रक्षक हो हनुमान, और नाना संकट तब मिटे जब कृपा हो कृपा निधान, और बोले दे दो भक्ति राम की विनय सनो हनुमान, जय जय महावीर बलवाना आया द्वारे तुम ही है जाना, तुम सब किए राम के काजा, राम हृदय के बने तुम राजा, राम नाम यदि तुमको प्यारा तो अर्ज सुनो हनुमंत हमारा, हे हनुमत तुम्हें राम दुहाई, करो काज मेरे बनो सहाई, हम हनुमते नमः का करूं उचारा, सकल वैरी का होवे उखारा, श्री हनुमते नमः से पूर्ण कामा, श्री राम कृपा से यश गाना, बजरंगी का गुरुज चले भूत सदा ही सहाय, करे विरोध जो पाठी को वह सीधा यमपुर जाए, ओम आंजनेय नमः आंजनी के आला, सिद्धि मिले भागे काल कराला, ओम केसरी नंदनाय नमः मध्य धामा, मंत्र जपुर राम को नामा, ओम वायु पुत्राय नमः बहुबलवाना, भक्ति रक्षा को पायो वरदाना, ओम शंकर सुगनाय नमो नमो, शांति देव और कल्याण को, ओम राम दूताय नमः जय रामा, हृदय बसे तुमरे सिय रामा, ओम हंग 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 हनुमत वीरा, राखो लाज हरो सब पीरा, ओम नंग 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 न्यायाधीशा, न्याय दिलाओ हे कपीशा, ओम 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 उठो हनुमाना, संकट में हूँ तुम ही बचाना, ओम मंग 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 मारुति नंदन, करुणा निधि सुनो मेरा क्रंदन,
ओम तंग 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 तारन हारे, आए जो शरण में उसे उबारे, ओम टंग 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 भय को टारे, जाए जो रण में कभी न हारे, ओम ठंग 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 दुष्ट को ठाके, राखे लाज बजरंगी बांके, श्रद्धा प्रेम से पाठ करे जो कूट मंत्र ये ध्रुव करे काम को, एक ग्यारह शत पाठ को करना, फिर संकट से तुम कभी न डरना, अंजनी लाल की है स्तुति, पढ़े जो चित्त को लाए, साक्षी राम से प्रेम की, घोर कष्ट मिट जाए, राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राम मंदिर बनेगा। ये जो इस वक्त जो अपने आप को बहुत ही ये उठा पुठक करने वाले हनुमान जी सबकी बुद्धि ठीक करेंगे, हनुमान जी सबकी बुद्धि ठीक करेंगे, ये कहना है प्रेम जी महाराज का। और इन्होंने हनुमान जी की स्तुति किया बजरंग बाण के साथ, बजरंग भूज, बजरंग बजरंग भूज अपने भीतर का प्रकट, अपने बजरंग भूज की इन्होंने पूरे भक्तों को सुनाया, ताकि श्रवण भी एक भक्ति है, एक पूजा है, अगर आप सुनते हैं तो वो भी एक पूजा होती है। और बजरंग भूज की पाठ करके आपको सुनाया, और उनको पूर्णतः यह कहना है कि राम मंदिर बनेगा, अति शीघ्र बनेगा, अयोध्या में ही बनेगा, क्योंकि 9 लाख वर्ष पूर्व में भी राम मंदिर अयोध्या में था, और विश्व का पहला मानव रहित, मानव निर्मित अगर विश्व की पहली राजधानी कहीं थी तो वो थी अयोध्या, और इस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर अवश्य बनेगा। पुनः एक बार सभी भक्तों की ओर से प्रेम जी महाराज जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। राम जी का मंदिर अवश्य बनेगा, चाहे वो कोई उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो जो हो, ये याद रख लेना चाहिए, सबकी बुद्धि हनुमान जी ठीक कर देंगे, रास्ते पे चले आओ, और ये जो बीच में बाधा डाल रहे हो, अपनी बुद्धि लड़ा रहे हो, इसको छोड़ दो, भगवान के आगे हनुमान जी के आगे किसी की बुद्धि चलती नहीं है, रावण का जो हाल हुआ वही हाल हो जाएगा, इसलिए रास्ते पे आने की आवश्यकता है, भगवान राम का मंदिर अति दिव्यतम बनेगा, अयोध्या नाम है वहाँ कोई मुसनकिल, अयोध्या न युद्धते यत्र आसो सा अयोध्या, जहाँ कोई युद्ध नहीं है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे बड़े प्रेम से रहते हैं, राजनीतिज्ञों के लड़वाई हुई लड़ाई है और कुछ नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अब समय हो चला था घर वापसी का, कुछ दिन और ठहरने की इच्छा के बावजूद भी वापस आना ही था। प्रातः काल परिवार के सदस्यों के साथ संगम स्नान कर सभी देवी देवताओं, साधु संतों एवं नागाओं का आशीर्वाद प्राप्त कर घर की ओर हम सभी निकल पड़े, पर यह कुंभ हमेशा यादगार बना रहेगा। जहां लगभग 20 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान, भंडारा की विशेष व्यवस्था, कई शंकराचार्यों की अमृत वाणी के साथ ही आपसी सौहार्द प्रेम सद्भावना देखकर सभी कहा करते हैं यही है सनातन धर्म और महाकुंभ। पता चले तो अपने संगम है जी, मिट्टी चलो ये सब ठाक 20, 21, 22, 25, 26, 27
तीस चालीस